यमराज को भी भ्रमित कर दिया और अपने प्राणेश्वर सत्यवान के प्राण बचाए। तो आ जाइए भाइयों, श्रवण करते हैं। मात्र देश सुख धाम, थाम विश्राम सुनो रजधानी, वहां अश्वपति गुणवान रे भूप सो ज्ञानी।
सुनती हो माँ हमारी भी सुन लो। जग कल्याणी मैया बिनती मेरी सुन लो, चरणों में पड़ी तेरे साधना घबराई है, चरणों में पड़ी तेरे साधना घबराई है। भाइयों बहनों, रानी को माँ की पूजा करते करते 7 सालें गुजर गईं। एक दिन माँ ने राजा रानी की विनती सुन ली और हुआ क्या सुनो। बिटिया को हुई गौ जन्म रे आजू महलन में, प्रणाम।
को बुला करके जब महल में लाती है, जब रानी ने पिया को देखा है तो आदर सहित बिठा करके धीरे से बोली है महाराज, अरे सैया सुने राजा हमारी, वरना ढूंढवाने के लिए हम
योग्य बर तलाश करने को मंत्री विप्र आदि गए, मगर उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन सावित्री के योग्य बर कहीं नहीं मिला है। तो उन्होंने आकर के सब बातें राजा को बता दी हैं। तो राजा बड़े परेशान हैं, कहने लगे हैं अब क्या होगा। तो उन्होंने सावित्री को अपने पास बुलाया और सावित्री जब अपने पिताजी के पास आ रही हैं तो सोचती आ रही हैं क्या शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया।
साथियों, सावित्री अपनी सखियों के साथ में और विप्रों के साथ में माँ के मंदिर में आई है। जब ये पहुंच गई हैं तो वहां पर होता क्या है, पहुंच जाती है और थाली लेकर के आज माँ की आरती उतार रही है। कैसे, गिरजा पूजन को चाली सावित्री करी जो पतिवर को मिलवाई दे मंदिर में करती सोर। थाली लेकर के माँ की आरती उतार रही है, कह रही है माँ गिरजा पूजन को चाली सावित्री करी जोर, पतिवर को मिलवाई दे मंदिर में करती सोर। मैया बहुत दूर से आई हूँ, आंखें खोलो माँ, मुझसे कुछ कहो हे देवी। आशा की बेली बड़ी है, हाँ आशा की बेली बड़ी है, तड़प रहा मन मोर, पतिवर को मिलवाई दे मंदिर में करती सोर। सावित्री की बात माँ भवानी ने सुनी है तो क्या बोली है, सुनकर वाणी बोली आज भवानी कहेगा बिटिया मेरी मन भवानी। माँ कहने लगी है बेटी चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा पति अवश्य मिलेगा। तुम तो जो फिक्रिया सारी, हाँ तुम तो जो फिक्रिया सारी, मिलवाए दूं चित चोर, पतिवर से मिलवाए दे मंदिर में करती सोर। Thank you.
भाइयों, गिरजा भवानी माँ से वरदान लेकर के आगे को चली है। कैसे? श्री गिरिजा का ध्यान धर, गणपति को सिर नाई, सावित्री आगे चली कहे साधना गाय। भाइयों, हुआ क्या? सुनो चले सूर सामंतरे बीरवलधारी। अरे परेशान है। देश विदेश में ढूंढत डोले, भक्तो ध्यान बिसरी नहीं जाए। ओए मिलो नयो की पति, जब कोई बिटिया बहुत गई अकुल आए। कोई नहीं मिला है तो सब लोग बड़े परेशान हैं, सब लोग थक गए हैं। आज बिटिया बहुत परेशान है, थके सूर माय और सहेली सावित्री भारी पछताए। ए सोच फिकर में बिटिया डूबी, मन में ये गया दे खजाए। बगिया में जाकर रुका तो उसने देखा कि एक नव युवक पेड़ पर चढ़ा हुआ लकड़ियां काट रहा है। क्या बताएं, इतना सुंदर, चंद्रमा के समान मुखड़ा। मैं क्या बताऊं, इतना सुंदर मुखड़ा है कि उसके मुंह का मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ।
आंखें तो इतनी सुंदर हैं, बहुत ज्यादा हिरणी कैसी चौड़ा मस्तक है। भक्तों अधिक क्या कहें, सावित्री तो उसे देख करके मोहित हो गई और कहने लगी है, तुम चढ़े पेड़ पर आओ नीचे उतर गुल हजारा, काम तुमसे जरूरी हमारा। तुम चढ़े पेड़ पर नीचे आओ उतर गुल हजारा, पसंद तो बहुत अच्छी है। और उसने सत्यवान को अपने पास में बुलाया और परिचय पूछने लगी है, तो सत्यवान बता रहे हैं, सत्यवान सकुचाए कही तवयुन
सत्यवान कहने लगे, तुम मेरा परिचय पूछ रही हो तो सुनो।
पड़े, कहने लगे, सावित्री कहीं तुम हमसे मजाक तो नहीं कर रही हो? सावित्री कहने लगी, नहीं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं जो भी कुछ कह रही हूँ मैं सच कह रही हूँ। और कहने लगी है कि अगर मैं शादी करूंगी तो तुम ही से करूंगी, नहीं अपना मैं सारा जीवन कवारे ही बिता दूंगी। जब इतने बैन सुने हैं तो सत्यवान को सावित्री के चरित्र पर विश्वास हो गया और सावित्री को लेकर के अपने माता पिता के पास लाए हैं और सावित्री के बारे में सब कुछ बता दिया। सत्यवान के माता पिता दोनों बैठे हैं और सावित्री हाथ जोड़ करके उनकी माँ के चरण पकड़ के बोली है, माँ हाथ जोड़ के कहीं पढ़ू तुम्हारी पैया तुम राजा रानी दुश्मन छीन ली। एक दिन थे हम राजा रानी दुश्मन छीन ली रजधानी।
बेटी, ये कैसे हो सकता है? तुम राजा की राजा दुलारी, हम तो हैं कंगाल भिखारी। भक्त कुहारी को, भक्त है कुहारी को, बेटी ना ही बोल बिगड़ी को। मैया रोई कही, बिटिया ना ही बोल बिगड़ी को। बेटी हमारी कही माना, तुम कहो दूसरा वरना देखो बेटी, हम तो गरीब लोग हैं। सासू कहने लगी मेरा वरना, ढूंढ ले तू जो कोई वरना, समय मजबूरी। ये वचन सुने हैं तो हाथ जोड़कर कहने लगी, माँ हाथ जोड़ के यो कहे, सावित्री सुकुमारी है, जो ना मुख से माँ कहो मैं मारू कंठ गटार है, द्वारे से ना जाऊं। सावित्री की दृढ़ प्रतिज्ञा सुनकर सत्यवान की माँ को विश्वास हो गया और उन्होंने अपने पति धूमत्सेन से सलाह मिलाकर सावित्री को आज्ञा दे दी, बेटी तुम अपने माता पिता के पास जाकर के शादी की तैयारी करवाओ, हम शादी के लिए तैयार हैं। आज सावित्री मन में बड़ी खुशी होकर के चली जा रही है और क्या क्या कह रही है, सोच रही है मन में। आज चली घर को सावित्री, मन में खुशी अपार, मैया से जाई कहूंगी इन्हीं के मिले हैं भरतार। सोचत सावित्री घर पर आई, मैया बबला देख गए हैं हर साई, सावित्री के माता पिता ने सावित्री को देखा है तो बहुत खुशी हुए हैं और बोले हैं, सावित्री को देख के बोले बेटी सुनो हमार क्या, मैया से जाई कहूंगी इन्हीं के मिले हैं भरतार। आज चली
कहने लगी है, बेटी वो किस राजा का लड़का है? और बातें पूछ रही हैं, किस राजा को लला बनाओ बरना है, सब समझियो हमें लगी अति करना है, सावित्री ने सब बतलाई छाई खुशी बहार, मैया से के बारे में बताया तो वो लोग बहुत खुश हैं, और सावित्री ने अपनी मैया के गले में दोनों बहियां डाल ली और बोली, मैया ये लहरीदार चूनर सिर पे मांडाल के, ये लहरीदार चूनर सिर पे मांडाल के, ये लहरीदार चूनर सिर पे मांडाल के, दुल्हन बनूंगी मैया घूंघट निकाल के, दुल्हन बनूंगी मैया घूंघट निकाल के, और सावित्री क्या बोली, बन
कहते हैं कि महाराज क्या करना चाहिए, तो कहने लगे हैं कि शादी कर दो। जब उन्होंने सत्यवान का नाम सुना है तो चौंक पड़े और कहने लगे, सत्यवान सुन नाम रे मुनिवर ने गिरायु जारी। और बल में इंद्र समान रे है बाल जति ब्रह्मचारी। नारद जी कहने लगे, बेटी जिसे तुम अपना पति बनाने जा रही हो वैसे तो वो ठीक है, बलदारी है, इंद्र से भी ज्यादा है बेटी, लेकिन एक बात है, मेरी लली उम्र है 1 साल उसकी, नहीं मिटे कर्म की रेख गति है बिटिया कर्मन की। बिटिया मत हो बे समझाया, तो सावित्री क्या बोली है, सुनो संत चित लाई गिरा बेटी ने फरमाई। बाबा क्या बोली है, वही होता है, और तुम मुझे समझा रहे हो, लिखा है मेरे कर्मन में स्वामी होगा वही खुशी अति सावित्री मन में। भाइयों सावित्री को सब लोग समझा रहे हैं, लेकिन सावित्री काव की ना सुन नहीं है। समझा रहे थे तो सावित्री नारद जी से इस तरह की बातें कर रही थी, तब तक उसकी माँ आ गई। जब माँ ने सुना है कि मेरी बेटी के साथ में 1 साल बाद ऐसा हो जाएगा, तो वो अपनी बेटी को समझा रही हैं। तो मम्मा न कही हमारी हमारी बरना कोई दूजा चुन लियो। समझा रही है बेटी, तुम कोई दूसरा वर चुन लो बिटिया, तुम मानो कही हमारी हमारी वरना कोई दूजा चुन लियो। अरे रो रो माता बड़ी बिलखानी, रो रो माता।
भाई बहनों, सावित्री ने मैया बावला को बता दिया, माँ हिंदू कन्या एक बार पति का चुनाव करती हैं, मैंने सत्यवान को अपने हृदय का राजा बना लिया है, मैंने उन्हें अपने दिल से पति मान लिया है माँ, अब मैं कोई दूसरा पति नहीं चुनूंगी। इस पर अशुपति बोले, अरे सुने करी के हजारों कष्ट में, लेकिन
भाइयों, जब सावित्री अपनी हट पर अड़ गई हैं, तो सब लोगों ने सलाह मिलाई है। देव ऋषि ने कहा है कि तुम सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह कर दो। जब बिटिया नहीं मान रही है तो संसार बिटिया का यश गाएगा। तो भक्तों, तो अब सावित्री के विवाह की तैयारी हो रही है। सब लोग बैठे हुए हैं, सत्यवान और सावित्री की भामरे पड़ रही हैं। कैसे सुनो। आज सत्यवान के साथ पढ़न लागी, हरे हरे पढ़न लागी भामरिया। आज सत्यवान के साथ भाइयों, बहुत खुशी है। आज सत्यवान और सावित्री का विवाह हो रहा है। आज सत्यवान के साथ पढ़न लागी, हरे हरे पढ़न लागी भामरिया। आज सत्यवान के साथ मैया बबुला पुरोहितों ने
कहती है, प्रभु अब वो दिन आने वाला है। बड़ी पूजा भजन भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु ऐसा न हो। एक साल होने को आई है, सावित्री मन घबराई है और चिंता लागी, अब दिल में और सोच बदन रहो छाई है, अब सोच बदन रहो छाई है। बात क्या है जो तुम्हारा ये फूल सा चेहरा ये कुमला गया? लेकिन भक्तों सत्यवान न समझ पाए कि सावित्री आखिर चिंता कौन सी लगी रहती है। सावित्री के दिल में ऐसी कौन सी बात है जो सावित्री दिन दिन थकती जा रही है। भाइयों एक साल अपने पति के चरणों की सेवा की, सास ससुर की आंखों की पुतली बन सावित्री ने विचार किया कि अब तो वो दिन आने वाले हैं। सावित्री बहुत घबराती है। भक्तों सत्यवान रोजाना की तरह वन में लकड़ियां काटने जाते हैं तो सावित्री कहने लगी है, माँ आज मैं इनके साथ में लकड़ी लेने के लिए वन में जाऊंगी। तो सत्यवान ने बहुत समझाया लेकिन सावित्री नहीं मानी और भौंका, गए विपन में आए रे सुनियो सरदारी, सावित्री को पता है कि अब मेरे ऊपर घनघोर विपत्ति आने वाली है।
इधर सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आते हैं और सावित्री के घुटनों पर सिर रख लिया है। सावित्री धीरे धीरे सत्यवान के सिर को दबा रही है। भक्तों, सत्यवान से ऐसा चिल्ला उठे, उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनके सिर में कोई भाले भौंक रहा हो। और वो सावित्री से बोले हैं, अब कहा करूं प्यारी, दिलो भारी घबरा। माता पिता ना रोई
इतना कह करके सत्यवान की आंखें बंद हो जाती हैं। सावित्री ने सत्यवान को अपनी गोदी में रख लिया और बिलख बिलख के रोने लगी। दुखिया बिलख रही दर के मैंने कहा उन मानी बात।
आज तुम मुझे छोड़ के चले गए। मुझे नारद जी ने बहुत समझाया, लेकिन मैंने तुमसे फिर भी शादी करी। स्वामी मुझे बोल सुना दो स्वामी। अब तो कर सैया की याद मूड़ धरनी से मारो है। अब तो कर सैया की याद मूड़ धरनी से मारो है, धरनी से मारो है, शीश धरनी से मारो है। अब तो कर सैया की याद के भैया। भक्तो सावित्री का रोते रोते हाल बेहाल हो गया है, उसे अपनी तनिकी भी याद नहीं है। भक्तो रोते रोते सावित्री ने तनिकी सुध बिसराई, समवेश भयानक पुरुष रे आवत पड़ो लखाई। महाराज नैन थे जाके रतनारे, देखा है तो उनसे परिचय पूछने लगी हैं, तो यमराज ने उन्हें अपना परिचय बता दिया। इस प्रकार कहते हुए यमराज शक्तिवान के प्राण लेके चल देते हैं। कहते हैं बेटी तुम घर को लौट जाओ, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है बेटी। और कह रहे हैं संसार रहने को सपना रे, यहाँ कोई नहीं है। यमराज समझाते हुए आगे को चले हैं। यमपुर की सीध लगाई रे यमराज चले हर साई, चल के थोड़ी दूर रे पीछे को निगाह घुमाई। बोली प्रभु नंदी के बिन बारी पति के बिन प्यारी का क्या महत्व होता है, क्या आप जानते नहीं हैं? और सावित्री कहने लगी घर ना जाऊंगी मैं तो पति के संग मर।
मुझसे कह रहे हो तुम घर लौट जाओ। नहीं प्रभु नहीं। लेके संग पिया खोंधाए, साधना तुमको गाई सुनाए। पिया को ले जाऊंगी मैं तो संग मरूंगी स्वामी घर ना। सावित्री बोली, सुता सावित्री ढाड़ी मांगी रही है बरदान, सुता सावित्री ढाड़ी मांगी रही है बरदान। मांग
प्रभु, तुम मुझे माँ बनने का वरदान दे चुके हो और मेरे पति को ले जा रहे हो। भक्त तो जैसे ही ये शब्द सुने हैं तो यमराज के पैरों तले जमीन खिसक गई और हुआ क्या, हो सभी गाड़ी कथा यहीं पर अब समाप्त होती है। जय बोल।